आप सबको जय मसीह की। यीशु के मीठे और पावन नाम में आज हमारे इस कार्यक्रम अनोखा प्यार में हम आपका स्वागत करते हैं। हम प्रभु को महिमा देते हैं कि पिछले दिनों में हमारे इस कार्यक्रम के द्वारा आपको और आपके परिवार को प्रभु ने आशीषित किया है। आपके फ़ोन कॉल्स के लिए, आपके रिस्पॉन्स के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम निवेदन करते हैं कि आप इसी रीति से हमारे साथ बने रहें। प्रभु का वचन हमें आज्ञा देता है कि हम अपना मन धर के उसकी आवाज़ को सुने और ध्यान लगाकर उसके वचन को सुने। आज का ये संदेश आपके और आपके परिवार के लिए है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपने हृदय को खोलकर प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने मनों को तैयार करें। आज जब यहाँ पर आप प्रभु का वचन सुने तो उसके लिए आप सब लोग प्रभु के वचन के लिए तैयार रहें। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु आज आपके जीवन को छुएगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार और आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए इस अनोखा प्यार प्रोग्राम के द्वारा आप सबका घर पे आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं।
यीशु मसीह हम सबको बहुत प्रेम करते, लेकिन यीशु मसीह हमसे कहा था यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 34वीं पद में हम ऐसे देखते हैं, मैं तुमसे एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु मसीह ने हमें एक आज्ञा, परमेश्वर हमसे बोलते हैं, आज्ञा का मतलब कमांड। यीशु मसीह राजाओं का राजा है, परमेश्वर हमसे जो कहते हैं ये करना है तो करना है, तो उसके लिए किसी व्यक्ति को कोई छूट नहीं है, हमें सबको करना है। क्या करना है? जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया, प्रेम किया, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्रेम करना। मेरा प्रियो भाई और बहनों, जैसे यीशु मसीह कैसे हमें प्रेम किया, मैंने पिछले हफ्ते बोला था रिलेशनशिप के बारे में, कहता हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ टूटा हुआ था। परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशनशिप को फिर से बिल्डअप करने के, टूटा हुआ संबंध को फिर से जोड़ने के लिए प्रभु यीशु इस जगत में मनुष्य बनकर आया और आपका पापों के लिए और मेरा पापों के लिए, हम सबका, पूरा मानव के पापों का मुक्ति के लिए यीशु मसीह हम सबका पाप की सजा क्रूस पर भुगत लिया। बाइबल कहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग की सारा महिमा छोड़कर इस संसार में एक मनुष्य बनकर आया, सब कुछ, स्वर्ग की सारा महिमा, परमेश्वर के साथ स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर का एकलौता बेटा, सारे अधिकार, सारे महिमा, सब कुछ उनके पास थी, वो सब कुछ छोड़कर इस जगत में एक मनुष्य बनकर आया, दास का रूप धारण किया है। हाँ, मैं आपको ये बातें समझना है, परमेश्वर का पुत्र जगत में एक मनुष्य बनकर इसलिए आया आपको और मुझे प्रेम करते हुए। यीशु मनुष्य बनकर प्रेम करके इस संसार में उस प्रेम अपनी कामों के द्वारा प्रकट किया। बाइबल में देखते हैं यीशु भीड़ को देखकर तरस कर आया, यीशु के पास जो बीमार व्यक्ति आते थे यीशु मसीह उस भीड़ को देखकर तरस खाकर उन्हें चंगा करते थे, जो अंधे व्यक्ति यीशु के पास आते थे यीशु मसीह अंधों को देखकर आमेन तरस खाकर उनकी आंखों को खोल दिया है, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग यीशु के पास आते थे, यीशु ने दुष्ट आत्मा को उनका जीवन से डांट कर निकालते हैं, उन्हें उसमें से छुटकारा देते थे। यीशु एक दिन एक आराधनालय में गया, सिनेगोग में गया, वहां पर 18 साल से एक कुमड़ी स्त्री था, हमें दुष्ट आत्मा उन्हें कुमड़ी बनाकर उनको परेशान करने वाला, दुष्ट आत्मा उनको छोड़ दे, हमें 18 साल की कुमड़ी स्त्री तुरंत हमें सीधा हो गया। हमें, मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु मसीह आमीन इस संसार में इंसान जो कष्ट सहते हैं, दुख सहते हैं और शैतान की ओर से मिला हुआ पीड़ा और गुलामी से आजाद देने के लिए यीशु इस जगत में स्वर्ग की सारे महिमा छोड़कर आपको और मेरा बीच में यीशु मसीह इस जगत में मनुष्य बनकर आया। यीशु मसीह का आने का मकसद आपको शैतान की गुलामी से, हम सबको, पूरा मानव को, प्रत्येक जाति बनाने के लिए नहीं, प्रत्येक धर्म बनाने के लिए यीशु नहीं आया, यीशु पूरा मानव को शैतान की गुलामी से छुटकारा देने के लिए। बाइबल कहते हैं शैतान के कामों को नाश करने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ है। यीशु इस जगत में आने का मकसद आपको और मुझे, हम सबको शैतान की गुलामी से छुटकारा देने के लिए। और मैंने कहा टूटा हुआ रिश्ता जो इंसान का, जो परमेश्वर का साथ था, उसको फिर से जोड़ने के लिए, पाप का द्वारा टूटा हुआ रिश्ता को फिर से जोड़ने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर हमारा पाप की सजा भुगत लिया, आपको और मुझे मिलने वाला पाप की सजा यीशु क्रूस पर भुगत लिया। यीशु क्रूस पर सहा व कष्ट को देखना मेरा प्रियो, यीशु का दोनों हाथों पर कील ठोका, यीशु का सिर पर कांटों का मुकुट रखा, पैरों पर कील टोका और यीशु लहूलुहान हो गया, यीशु का शरीर में बदन भर 39 कोड़े मारा है, यीशु मसीह लहूलुहान हो गया। यीशु ये सारे कष्ट किसके लिए सहा? आपके लिए और मेरे लिए। मेरा प्रियो, आप बीमार रहना परमेश्वर नहीं चाहते, आप कष्ट सहना परमेश्वर नहीं चाहते, आपका जीवन में शैतान की गुलामी में रहना परमेश्वर नहीं चाहते। यीशु मसीह अपना प्रेम को प्रकट किया,
आपको और मुझे यीशु इतना प्यार करते हैं। यीशु आपके लिए सारे पाप की सजा भुगत लिया, आपको और मुझे मिलने वाला सजा यीशु भुगत लिया, और यीशु का प्रेम उसने प्रकट किया। यीशु मसीह इस वचन में हमें देख बोलते हैं, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। प्रेम सब सह लेते हैं, रिलेशनशिप प्रेम में होते हैं। लेन देन में रिलेशनशिप जल्दी टूट जाते हैं। मैरिज लाइफ, फैमिली लाइफ की रिलेशनशिप क्यों टूटते हैं? पति का डिमांड पत्नी पूरा नहीं करते, पत्नी का डिमांड पति पूरा नहीं करते हैं। हाँ, मैंने जब शादी किया है उन्होंने सोचा था पति मुझे ये दे देंगे, पति ऐसे हो जाएंगे, हमें पत्नी ऐसे करेंगे, पत्नी ऐसे हो जाएंगे हमें, लेकिन जो शादी होने के बाद में ऐसे नहीं हो गया। जब उन्होंने रिलेशनशिप खराब होने फिर तो टूट गया, बोला पत्नी, पत्नी को अपना मम्मी पापा का पास छोड़ देते, पति अपने घर पे जाते। कारण क्या है? डिमांड है, प्रेम नहीं। मैं जो चाहता हूं वो पूरा करेगा तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा, वो संसार का प्रेम है, एक इमोशनल है। मेरा प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु का प्रेम ऐसा नहीं था, सच्चा प्रेम। परमेश्वर चाहते हम भी एक दूसरों को वैसे प्रेम करें, वही संबंध मजबूत संबंध है, रिलेशनशिप। यीशु के साथ आपका रिश्ता ठीक है, दूसरों के साथ भी रिश्ता ठीक हो जाएंगे। हम पुराना नियम में इस एक एक, एक व्यक्ति का रिलेशनशिप में हम देखते हैं, रूत का किताब में आए, रूत का किताब में हम देखते हैं। इस पुस्तक में हम देखते हैं एक परिवार का स्टोरी है, नवोमी और उसका परिवार समेत जब बेतलहम छोड़कर मोआब में आया और मोआब में आकर रहने लग गया, अपने परिवार, दो बेटा, अपने पति, पति का निधन हो गया और दोनों बेटा मोआबी स्त्री के साथ विवाह हुआ है और दोनों बेटा भी कुछ समय के बाद मर गया। और उसके बाद ये नवोमी और उसका दो बहु रह गया। तब उसने अपने वापस अपने घर पे वापस जाने के लिए, बेतलहम में वापस जाने के लिए निर्णय ले लिया। तब अपनी दोनों बहु को बुलाकर बोलते हैं आप अपने अपने घर पे वापस चला जाना, फिर से शादी करके अपनी पारिवारिक जीवन बिताना। तब ओर्पा नामक अपनी एक बहू ने गले लगाकर चुम्मा देकर रोकर उस सासू माँ को छोड़कर चला गया। और रूत को भी नवोमी ने बोला तुम भी जैसे उसने गया, ओर्पा गया, वैसे तुम भी चला जाना। रूत ने बोला, रूत का पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 16वें पद में लिखा हुआ है, रूत ने बोला है आपको छोड़कर, नवोमी को बोला है आपको छोड़कर मुझे जाने के लिए आप मत कहना, जहां पर तू रहेगा मैं भी रहूंगा, जहां पर तू मरेगी मैं भी वहां पर मरूंगी, और जहां पर तू जाएगी वहां पर मैं भी जाएंगी। और उसने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, आपसे छोड़कर जाने के लिए मुझे कभी नहीं भूलना, मैं आपका साथ रहेंगी। आखिरी में नवोमी के साथ रूत चला जाते हैं बेतलहम। आपको इसके बारे में मालूम है, मेरा कहने का इस वचन में हम एक बात हमें देखते हैं, परिस्थितियां उस बहु को अपनी मदर लोग को छोड़कर जाने के लिए इजाजत नहीं देते, क्योंकि उसका रिलेशनशिप प्रेम का रिलेशनशिप था, फायदा का नहीं। उसका जीवन में मुझे क्या मिलेगा? कुछ फायदा मिलेगा नहीं, वो रिलेशनशिप निकट रिलेशनशिप था। मेरा प्रियो, कुछ समय परमेश्वर के साथ हम जो फायदे के रिलेशनशिप में चला जाते हैं, मेरा प्रियो आप, मैं आपसे मैं कहना चाहता हूँ ऐसे रिलेशनशिप मजबूत नहीं हो सकता। परिस्थितियाँ उसको परमेश्वर से दूर कर लेते हैं, परिस्थिति अच्छा नहीं होते हैं, आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर का विरोध में बात कर लेते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ हम देखते हैं मिस्र से परमेश्वर ने इसराइल लोगों को छुड़ाया था। रास्ते में जब कठिन परिस्थिति आते हैं, मूसा का विरोध में वो मरमरे कुड़कुड़ाते थे, वो रिश्ता मजबूत है तो हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। मेरा प्रियो, आपका जीवन में परमेश्वर का साथ रिलेशनशिप ठीक है तो लोगों का साथ भी रिलेशनशिप ठीक है।
ठीक हो जाते हैं। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा है उसको मजबूत करें, प्रेम का रिश्ता। परमेश्वर आपको सब कुछ दे दिया, आपको पता है मेरा प्रियो, बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, हमारे लिए दे दिया, उसका साथ सब कुछ क्यों नहीं देंगे। रोमी 8 के अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर हमें ऐसा प्रेम किया, अभी हम परमेश्वर को प्रेम करें। और परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है, हम अच्छे थे, हम भले थे, हम उसके लिए अच्छे काम किया इसलिए नहीं था, क्योंकि उसका प्रेम निष्कलंक प्रेम, निष्कपट कर प्रेम, जो अनकंडीशनल लव, अगपे लव, वो प्रेम परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया। मैं आपसे, हम सब लोगों का जीवन में यही बातें परमेश्वर चाहते हैं, हम परमेश्वर ने हमें जैसे प्रेम किया हम क्या करना चाहिए, हम एक दूसरों को प्यार करना चाहिए। सामने वाला अच्छा है इसलिए मैं प्रेम करता हूँ। हमें कलीसिया में, चर्च में, आप अपना जीवन में, आप सबका साथ, आप आपका रिलेशनशिप कैसा है। परमेश्वर ने बोला मैंने तुम्हें प्रेम किया वैसे तुम दूसरों को। आपका पड़ोसी के साथ आपका रिश्ता कैसा है, पति पत्नी का रिलेशनशिप, बच्चों के साथ रिलेशनशिप, रिश्तेदारों के साथ रिलेशनशिप, सबका साथ जैसे परमेश्वर ने हमें प्रेम किया वैसे हम दूसरों को प्रेम करें। हम अच्छे, सामने वाला अच्छा है इसलिए नहीं, सामने वाला अच्छा नहीं है तभी हम प्रेम करना है। यीशु मसीह ने कहा तुम एक दूसरों को प्रेम करेगा तब परमेश्वर की महिमा होगी। इस बातों को परमेश्वर अपने चेलों को बोल रहे थे, आमीन यीशु मसीह का, आमीन चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह बोल रहे एक दूसरे से प्रेम करना तब दुनिया परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरा प्रियो, आपका इस संसार में जीने का मकसद परमेश्वर की महिमा होने पाए, परमेश्वर की महिमा के लिए हमें जीवन बिताना है, यीशु मसीह की महिमा के लिए जीवन बिताना है। एक दूसरों को हम प्रेम करें, आपका जीवन में परमेश्वर ने प्रेम किया, अब आप प्रेम को ढूंढ कर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। हमें से अधिकतर लोगों का प्रॉब्लम यही होते हैं, मुझे कोई प्रेम करे, मुझे कोई अच्छा कहे, मेरा बारे में लोग अच्छे बोले, मेरा बारे में दुनिया अच्छी बातें कहे, ये सब बातें हमारा जीवन में हम एक्सपेक्ट करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपका बारे में दुनिया अच्छा तब बोल सकते हैं आप यीशु को प्रेम करें और दूसरों को, यीशु जैसे आपको और हम सबको प्रेम किया वैसे हम भी दूसरों को प्रेम करें। यीशु जैसे हमें प्रेम किया वैसे हम भी दूसरों को प्रेम करेगा उसमें हमारा जीवन। अब आपको इधर उधर किसी और की प्रेम के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, यीशु आपको बहुत प्रेम करते हैं, हम सबको प्रभु यीशु बहुत प्यार करते हैं। आपका व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु का प्रेम अद्भुत प्रेम है, उसका तुलना में कोई प्रेम है नहीं है। संसार का प्रेम अधूरा है, संसार का प्रेम के लिए अब इंतजार करेगा, वो प्रेम आपका जीवन में आज प्रेम करेगा कल आपको त्याग देंगे। लेकिन यीशु ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, वो प्रेम अद्भुत प्रेम है। मेरा प्रियो, वो प्रेम आपको मिल गया, अगर आपको मिला नहीं है तो आज उस प्रेम को आप अनुभव करना है। यीशु को अपना जीवन में बुलाए, यीशु प्रत्येक धर्म का गुरु नहीं है, प्रत्येक धर्म के लिए यीशु संसार में नहीं आया, यीशु हम सब के लिए आया, यीशु हम सबको प्यार करते हैं, यीशु आपके लिए आया इस जगत में, आपको यीशु प्रेम करते हैं। और प्रेम आप अनुभव करें आपका जीवन में बाकी सब प्रेम फीका लगेगा, अधूरा लगेगा, और आपका जीवन में वो प्रेम अनुभव करेंगे आप दूसरों को वो प्रेम देना शुरू करेंगे। मेरा प्रियो, वो प्रेम मैंने अनुभव किया इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपका जीवन में भी वो प्रेम प्रभु यीशु देना चाहते हैं। वो प्रेम में व्यक्तिगत रिलेशनशिप है, वो कुछ मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था, आपका बाहर की प्रकटीकरण नहीं है, आपने जो बाहर चीज़ों में देने के कारण नहीं है, आप कुछ देने के कारण। परमेश्वर को प्रेम करने का मतलब परमेश्वर को आप कुछ चीज़ें लेकर दे दिया, कुछ चीज़ें खरीद के दे दिया, आमीन ये खरीद के दे दिया, नहीं तो इधर उधर से कुछ ला के दे दिया परमेश्वर के पास जाने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ पिछले संडे
एक परिवार ने अपनी गवाही दिया, उसने बोला 20 साल तक बहुत भक्ति किया वो व्यक्ति, लेकिन परिवार में पति पत्नी के बीच में बहुत लड़ाई, 20 साल उसने बहुत भक्ति किया, उनके वैवाहिक जीवन में करीब 25 साल से अधिक हो गया, लेकिन एक दूसरे के साथ शांति का एक दिन भी नहीं बिता पाया। पति शराब पीते थे, पत्नी भक्ति तो करते थे, लेकिन पति शाम को आते ही लड़ाई शुरू हो जाते थे। उसने पिछले दिन अपनी दूर भाग गया है और इस संसार की खराबी में बुराई में चला गया। आज वो बोलते हैं हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, इसका कारण ये सब कुछ हुआ, उसका गुनाहगार हमें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा उसका नाम यीशु है, यीशु आपको प्यार करते हैं। आज दिल खोलकर आप कहेंगे मुझे जीना है खुदा, आमीन। अगर प्रेम करने वाला एक परमेश्वर मुझे अगर है तो मुझे चाहिए, मेरा जीवन में आ, मुझे आपकी जरूरत है। हृदय की गहराई से पुकार, आमीन। बाइबल कहते हैं प्रकाशित वचन में, उसमें लिखा हुआ है परमेश्वर हमारा हृदय के द्वार पर खटखटाते हैं। यदि कोई परमेश्वर की आवाज सुनकर अपने हृदय के द्वार खोलेंगे और प्रभु हमारा साथ आकर वास करना चाहते हैं, मिल गया मेरा सृजनहार, मुझे मिल गया, मुझे प्रेम करने वाला मेरा परमेश्वर मुझे मिल गया, आपका हृदय में आनंद आएगा, शांति आएगा और उल्लास आएगा और आपका जीवन पराजय में से विजय में बदल जाएगा। आपको आप बीमार व्यक्ति इतना प्रेम करते हैं, आपका बीमारी को यीशु क्रूस पर ले लिया, यीशु का शरीर में 39 कोड़े वो अपने शरीर में खाया है।
महंगाई भरा हुआ जीवन सबको मिलने पाए। आपने इसे कर दिया धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। हम विश्वास करते हैं आज का ये संदेश आपके और आपके परिवार के लिए एक आशीष का कारण बना है। हम निवेदन करते हैं कि आप हमें रिस्पॉन्स देकर बताएं कि आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, दिए गए एड्रेस पर आप हमें विजिट कर सकते हैं, आप आकर हमसे व्यक्तिगत रीति से मिल सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। हम प्रभु को महिमा देते हैं कि आज इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु ने हमें अवसर दिया कि आपके घरों तक पहुंचकर हम यीशु के संदेश को आपको बताएं। प्रभु आपको आशीष दे। आशीषित कर